किसान मोर्चा ने लगाया हर जनपद में कोविड हेल्प डेस्क। वैश्विक महामारी कोरोना के द्वितीय लहर की रोकथाम एवं सभी को चिकित्सीय सुरक्षा सुलभ करवाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के निर्देशानुसार राष्ट्रीय स्तरीय सेवा अभियान के चरण में आज भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सांसद राजकुमार चहर का लखनऊ आगमन हुआ। भाजपा किसान मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष रामबाबू द्विवेदी एवं भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा कोविड दिशा निर्देशों का पालन करते हुए औपचारिक स्वागत किया गया एवं कोविड सहायता सेवा कार्यक्रम में प्रदेश कार्यकर्ताओं की भागीदारी एवं हेल्प डेस्क के माध्यम से व्यापक सुरक्षा उपचार मुहैया कराने की रणनीति को और प्रभावी बनाने पर श्री द्विवेदी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष से चर्चा कर मार्गदर्शन प्राप्त किया। राष्ट्र के प्रत्येक जनपद के एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर कोविड हेल्प डेस्क स्थापित कर आम जनमानस को कोरोना बचाव संबंधित आवश्यक सहायता, बचाव निर्देश एवं संक्रमित व्यक्तियों को पूर्ण चिकित्सीय सहायता उपलब्ध करवाने की श्रृंखला में 658 हेल्प डेस्क के विस्तार की कड़ी में आज भाजपा किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष राकेश शर्मा द्वारा संचालित सहायता शिविर व गुडम्बा लखनऊ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हेल्प डेस्क पर पहुंचकर राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चहर ने सभी स्वास्थ्य कर्मियों एवं महामारी के विरुद्ध लड़ रहे बचाव कर्मियों एवं कार्यकर्ताओं बंधुओं का हाल चाल। देखिए, जो किसान है वो खेतों में है, जो किसान है वो खेती का कार्य कर रहे हैं, ये लोग जो सड़कों पर बैठे हैं ये राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता हैं, ये जो किसान संगठन है वो लोग जो आज काला दिवस मनाने की बात कर रहे हैं, देश के किसानों ने उनके काला दिवस को नकार दिया है। क्योंकि जो भ्रम कांग्रेस पार्टी, वामपंथी पार्टी, समाजवादी पार्टी, बसपा, अन्य राजनीतिक दलों ने, जो विपक्षी पार्टियों ने जो भ्रम पैदा किया था किसानों के मन में, वो भ्रम कब का टूट गया है। आम किसान ये जान गया है कि ये जो बिल आए हैं, तीन कृषि विधेयक, ये किसानों की आय को बढ़ाने वाले हैं, ये किसान के जीवन में सकारात्मक बदलाव को लाने वाले हैं और निश्चित रूप से किसानों की आय बढ़ेगी। और ये विश्वास किसान आज देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी पर कर रहा है। उनको पता है कि मोदी जी उनके लिए काम कर रहे हैं और ये जो लोग हैं ये राजनीति करने का काम कर रहे हैं। तो आज इनका जो काला दिवस है वो बुरी तरह से फेल हुआ है। और मैं ये कहना चाहता हूं, ये पंजाब से जो आंदोलन प्रारंभ किया था किसानों के मन में भ्रम डालकर, आज पंजाब के किसानों को डायरेक्ट उनके खाते में पैसा जा रहा है। गेहूं की खरीद का हो चाहे धान की खरीद का हो, सीधा किसान को आज मिल रहा है। तो जो बिचौलियों के पेट में दर्द पहले भी हो रहा था और आज भी हो रहा है, ये सच्चाई पंजाब के किसान के सामने भी आ गई है, ये सच्चाई हरियाणा के किसान के सामने भी आ गई है, ये सच्चाई पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान के आज सामने आपका लखनऊ में क्या कार्यक्रम है? आज लखनऊ में जो कार्यक्रम है, भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नड्डा जी के आह्वान पर सेवा ही संगठन के द्वारा जो सेवा के कार्य चल रहे हैं, किसान मोर्चा पिछले 21 मई से पूरे देश के अंदर 658 जिलों में एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पर एक हेल्प डेस्क लगाकर जनता की सेवा करने का काम इस कोरोना महामारी में कर रहा है। तो आज उसी के अंतर्गत लखनऊ जनपद में एक कम्युनिटी सेंटर पर मैं आज हेल्प डेस्क में देखने और वहां पर बैठ के सहयोग करने के लिए। पूरे देश में कितने हेल्प डेस्क? 658 पूरे देश में किसान मोर्चे ने हेल्प डेस्क के आयोजन किए हैं और जो कि निरंतर पूरे देश के अंदर चल रहे हैं। एक जिला एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पर एक हेल्प डेस्क, ये किसान मोर्चा ने एक स्वीकार किया है। समाज की सेवा करने का काम ये